रविवार को जिले में 62 संक्रमितों की मौत हो गई। अब तक कोरोना से एक दिन में जिले में मरने वालों का संभवतः सर्वाधिक यह आंकड़ा है। जिले में रविवार को 4,110 नए पॉजिटिव मिले हैं, जिन्हें मिलाकर कुल पॉजिटिव की संख्या 2,41,606 हो गई है। अज्ञात वाहन चालक की टक्कर से जख्मी हुए व्यक्ति की उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक लखड़गंज निवासी टेकचंद तुलसीदास लेखवानी बताए गए। वाड़ी थाना क्षेत्र में दोपहिया वाहन सवार सीधे इलेक्ट्रिक पोल से जा भिड़ा। गंभीर जख्मी होने के कारण अस्पताल में भर्ती किया गया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। उत्पाद शुल्क विभाग ने जिले के 4 रेस्टोरेंट और बार पर कार्रवाई की है। कोविड गाइडलाइंस का लाइसेंसधारी पालन कर रहे हैं या नहीं, शराब की दुकानें समय पर बंद हो रही है नहीं, इसकी पड़ताल के लिए विभाग की ओर से मुहिम चलाई जा रही है। भाई नहीं बोलने पर एक अपराधी ने परिसर में रहने वाले युवक पर चाकू से हमला कर दिया। उसके दो नाबालिग साथियों ने भी युवक से जमकर मारपीट की। सिटी सहित जिले में गर्मी अपना जलवा दिखा रही है। पारा 40 के पार ही दर्ज हो रहा है। अब मौसम विभाग ने जिले में आगामी 2 दिनों तक हीट वेव की चेतावनी जारी की है। मध्य रेल नागपुर मंडल ने मालदान में एक बार फिर शानदार काम करते हुए वित्तीय वर्ष 2022-21 के तहत रिकॉर्ड 2,675 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया। कोरोना के कारण इस वर्ष ईसाई समुदाय द्वारा ईस्टर संडे बड़ी सादगी से मनाया गया। नगर में ईसाई समुदाय ने ईस्टर संडे पर अपने सगे संबंधियों के साथ खुशियां बांटी। पालक मंत्री नितिन राउत ने कहा कि कोरोना को मात देने के लिए सभी का वैक्सीनेशन बेहद जरूरी है। उन्होंने सिटी के अनेक कोविड केयर सेंटर को भेंट दी।